माफ करा सक भूल हो समरिया अंतिम बंद में कहना है राजपुरम सदगुरु की दुहाइया यही भक्तन के प्रभु लाज रखैया स्वामी जी माली समरिया स्वामी जी माली परशु के कैला कबूल हो समरिया स्वामी प्रधान जी के आप छोटे भाई राजू जी आपकी ओर से पुरस्कार सागर 501 रुपए प्रदान किए गए हैं। भैया को कोट कोट धन्यवाद है और सागर ये पुरस्कार सागर 101 रुपए आदरणीय श्री दुर्गेश गुप्ता अभी अभी विजय यादव जी गोलन है सब कुछ जिंदगी विवाह जही आई चोला बदल जाई कहिया कहीं कुछ ना रह जाई चाहे आप भजन करवा तो ए बेटा रे लड़के इन्हें खड़े यहाँ भजन करबा आप लोग तब अल्लाह भजन करबा तब भाव सागर से पार हो गई भाव माने होला संसार वो भाव सागर को दूर ना दूसर ना भाव माने होला संसार सागर माने समुद्र इस दुनिया रूपी समुद्र से पार सबके हो गए चाहे वो आस्तिक हो तब चाहे नास्तिक हो सबको दुनिया से जाना है इसीलिए कहना है अरे ना पैबा हो ना पैबा हो ना पैबा हो ना पैबा लख चौरासी भरम कटकाना ना पैबा
जवना शरीर पर घमंड बा, जवनी सुंदरता पर घमंड बा, हमार शरीर बड़ा सुंदर बा, हमार शरीर देखे निर्गुण सगुण दोनों यही में मौजूद हो गए, हमार शरीर बड़ा सुंदर बा, मतलब हम भीतर वाला कहता कि हम शरीर ना हैं, हमार शरीर सुंदर बा, अलग कह देहला सपने से, ये हमार बाह है, मतलब हम बाह ना हैं, हमार बाह है, बाह ही अलग हो गई, हमार घर बहुत आलिशान बा, अच्छा तो घर आलिशान बा, हम आलिशान नहीं थे, ये आत्मा जीवात्मा खुद कह रहा बा, आ जीवात्मा सबसे कह रहा बा, लख चौरासी भरम के ठिकाना ना कोई जाएगा, कोई आता है कोई जाता है,
ये क्रम कभी टूटने वाला नहीं है। बस भाव सागर यही है दुनिया, दूसरी कोई दूसरा कोई भाव सागर नहीं है। वो काल्पनिक भाव सागर जिसको कोई देखता तक नहीं है। हमें अपने ही सजीव भाव सागर को सुधारना है। जिस दुनिया को हम देख रहे हैं इसी भाव सागर को सुधारना है। और सुधरेगा कैसे? जब आपका आचरण अच्छा होगा, आपकी नियत अच्छी होगी, आपका चरित्र अच्छा होगा, आपकी आस्था प्रबल होगी, तभी ये भाव सागर के साथ आप सुधर सकते हैं। आइए अब हम एक बिरहा की ओर लेकर के चल रहे हैं। समय को देखते हुए कहे कि अब एक लोकगीत हम गा के बैठती तो फिर लोकगीत गई तन फिर बिरहा गई। ऐसे बढ़िया कि हम बिरहवे शुरू कर दी। अद्भुत प्रसंग, जिस प्रसंग के विषय में बहुत कम लोग जानते होंगे। भूमिका में भाव दिया गया है, राम ही राम की जब भजन कर रहे तब समझना कठिन है नियत राम की। भक्त की भावना भी भ्रमित हो गई, खो गई क्या महत्ता है हरि नाम की। राम दशरथ सुवन है या दूजा कोई, सोचते भक्त हनुमान मन में यही, वो परशुराम शंकित लगा पूछने, ओ कौन राम है राम कहिए सही। राम शंकित लगा पूछने, वो कौन राम है राम कहिए सही। सुबह की बेला थी बाबूजी, भगवान राम भजन में लीन थे, पूजा कर रहे थे और एक श्लोक उच्चारण कर रहे थे। श्लोक उच्चारण करते हुए पूजा कर रहे थे। श्लोक कौन सा था? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरान में।
रामेति राम धन इति बराबर रामेति। इति माने यही, राम यही है, राम यही है, राम कह रहे थे। रमे रामे, राम में रमे हुए थे अवधेश राम, मनोर में मन में धारण करके। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम विष्णु को कहा जाता है, विष्णु के हजार नाम के तत्तुल्यम बराबर। राम नाम बराने मात्र एक राम का नाम है, विष्णु के हजार नाम के बराबर राम का एक नाम है, मात्र एक नाम है। यह संस्कृत का श्लोक उच्चारण कर प्रहलन भगवान राम पूजा में लीन रहलन। तबले हनुमान जी पहुंच गए दर्शन करे बदे, देखलन कि प्रभु बैठल बाण पूजा पर, लेकिन श्लोक उच्चारण करत बाण राम यही है, राम यही है। कौन सा राम भाई? ते एक लाइन कव्वाली के नमूना भाई, हाँ उहे कव्वाली बा कि दो दिल दरिया की धारा में, दो दिल दरिया की धारा में बह जाए तो लेकिन गाना में बहुत यह गई बात कि जब भक्त सशंकित हो जाए, जब भक्त सशंकित हो जाए तब राम उसे शंकर को। रामे रामे मनोर में सहस्त्र तुल्यम
सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हनुमान जी मने मन सोचे लगलन कि सारी दुनिया इनके पूजे ले, ये राम हुआ आई कौना राम के भजत हुआ भाई। भगवान राम जी पूजा खत्म भई, मुद्रा में अलन, ध्यान से विरत भैलन, पूजा से विरत भैलन, तो भई का ध्यान टूटा तो प्रश्नता द्वितीय कपिराई। ध्यान टूटा तो प्रश्नता द्वितीय कपिराई, कौन वो राम है कहिए प्रभु जी समझाई। सारी दुनिया आपको भजती है और आप किस राम को भजते हैं, वो कौन राम है। भगवान राम का ना कि हनुमान जानना चाहते हो कि वो कौन राम है जिस राम को मैं भज रहा हूं। कहे बेशक चाहता हूं। भगवान राम हनुमान जी से कहलन, एक लाइन गीत बदलत बा, भक्ति रस का भाव तो भक्ति रस का गीत। कौन गीत बा मास्टर? मैया हो रउरे दुवर मायाई, हो मैया हो रउरे दुवर मायाई। बस भगवान राम हनुमान जी से कहलन के सुना, कौना राम के हम भजीला बतावत हैं, मगर एक बात ध्यान से सुनी हा। का कहलन के कपिवर, अब कपिवर कपिवर ये कपिवर, कपिवर ये कपिवर, कपि हो मंगल के दिन अइहा, अरे कपि हो मंगल के दिन अइहा, होत बिहना ये कपिवर। आज नहीं बताऊंगा, जाओ हनुमान मंगलवार को सुबह में आ जाना, मैं बता दूंगा कि मैं किस राम को भजता हूँ। कहलन है, अरे राम का नाम तू हा, राम का भेद तू पैबा सारा, कवन नाम या कवन राम मोर भजन या धारा। मंगलवार को बता दूंगा हनुमान किस राम को मैं भजता हूँ। कौन राम मेरी भक्ति का आधार है, मंगल को आओगे मैं बता दूंगा। कहते हैं के कपिवर कपिवर ये कपिवर, अब कपि हो या जलवट जा माना, हाँ कपि हो या
राज श्री वीरेंद्र मौर्य जी रुद्रपुर की पावन धरती से, चढ़वा रुद्रपुर की पावन धरती से सागर 501 रुपए पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद सबको, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। तो जाइए हनुमान जी कहना ठीक है, चलते हनन, लेकिन दिमाग में एक ही बात, आखिर वो राम कौन हुन जो ना राम के ही राम भजत हुआ, नी असली हुन की नकली हुन समझे में ना होता। असली रही तन तो फिर वो राम की कैसे भजतन। खैर चल गिलन, अजहिया मंगलवार के दिन आये तहिया हनुमान जी कहलन का मंगल के दिन कपिराई जी आई गईले, मंगल के दिन कपिराई जी आई गईले, प्रभु से पूछत भैले देवा प्रभु जी बतला की चंदन रह गई के राम राम जी का नाम लेके, चंदन रह गड़ी के राम राम जी का नाम लेके दिहले गगन में उड़ाय जी। सूत के मत बोला आप आता है यार, प्रभु के एक ये पट्ठा का काले ना मोबाइल लिखे हैं। अच्छा अच्छा दे दू मिला, चलो ठीक है ठीक है, वो के पता लगा लिया कि कैसे का सली रह देर रह की दूर रह, कैसे देर रह कैसे दूर रह। आखिर मंगलवार के बजरंग बली अलन कहा प्रभु जी आज बोलौले रहला ना, तो हम जाने बदे आ गेली माँ कौने राम का आप भजेला माँ, उ कवर राम हुआ भगवान राम करण की अपने बतावत ही भाई हूँ या मत, ऐसे चंदन का छोटा सा टुकड़ा लेके भगवान राम ही दोनों हथौड़ी के बीच में कह के रगड़ के हाथी पर आ फेंक दिलन आकाश में, चंदन आकाश में उड़त जाए लगल। भगवान राम कहे कि हनुमान अब तू पीछा कर चंदन का, इतने जान ला कि चंदन जहां जाके सट जाए वही राम के हम भजीला, वही राम को हम पूजा करेला। तो आगे आगे चंदन चल दे आ पीछे से उड़ान भरत हनुमान जी चल देलन। एक लाइन यहाँ गीत लगत बा, कवन गीत बा मास्टर? अरे चट चट चूड़िया तोड़ला, हाँ चट चट चूड़िया तोड़ला हमर नरमी कलाई में मोर के यका ये राजा खजी।